हरे कृष्णा। तो आज मैं कृतज्ञ हूँ आप सबके बीच में। श्रीमद् भागवतम के परम पवित्र दशम स्कंद में भगवान के आविर्भाव के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा कि बुद्धि की परिभाषा क्या है। सो इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बुद्धि का अर्थ है कि चीज़ों को सही मात्रा में सही दृष्टि से देखना, वह बुद्धि कहलाता है। तो इसके तीन पॉइंट्स लूँगा मैं इस प्रश्न में। और पहला पॉइंट कि कैसे जब यहाँ पे पृथ्वी के पास समस्या आ गई है तो किस समस्या को किस स्तर पे निपटाना है, यह समझना बुद्धि की एक दृष्टि है। दूसरा है कि कब भगवान से हम एक दिव्य रूप से मदद चाहते हैं और कब हमें कुछ व्यावहारिक रूप से हमें कुछ करना चाहिए। When to leave things to Krishna and when to take things in our own hands। और तीसरा है कि किस तरह से हम कभी भी हताश न हो भक्ति में। अब यहाँ पे जो बताया पहला पॉइंट जो है कि कैसे किस समस्या को किस स्तर पे सामना करना है, यह समझना बुद्धि का लक्ष्य है। अभी यहाँ पे जब पृथ्वी को समस्या आ गई है तो पृथ्वी देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, और सारे फिर ब्रह्मा जी भी जाते हैं वो भगवान विष्णु के पास। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये समस्या इतनी बड़ी है कि बहुत ऊंचे स्तर पे ले जा रहे हो। मान लीजिए अगर किसी को कुछ छाती में दर्द हो रहा है और हम हमारे फिजिशियन के पास जाते हैं, साधारण डॉक्टर बैठते हैं, वो बोलते हैं कि तुम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, और हार्ट स्पेशल के पास होते हैं बोलते हैं कि तुम एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। तो अब इसका मतलब क्या है कि कोई साधारण दर्द नहीं है, ये दर्द इतना गंभीर है कि आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो क्या है, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है हमको, कोई थोड़ा सा डॉक्टर बोल थोड़ा आराम कर लो ठीक हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, अभी वो दर्द एक तरह से दर्द ही है, पर कभी कभी वो दर्द इसका ये लक्षण हो सकता है कि कोई बहुत गंभीर बीमारी है, और कभी कभी दर्द है थोड़ा सा आपको स्प्रेन हो गया है, कुछ थोड़ा सा मार लग गया है, पर थोड़ा आराम कर लो ठीक हो जाएगा। तो अभी हम व्यावहारिक रूप पे यह हम समझते हैं। अभी मान लीजिए भी किसी हम सबको शायद थोड़ी ठंडी लग रही है, तो अभी ठंडी लग रही है तो क्या करना है। एक चीज़ हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई शॉल है, कुछ स्वेटर है, हम पहन लेंगे शॉल शरीर पे है तो सिर पे भी डाल देंगे। दूसरा है किसी को बोले कि दरवाज़ा बंद कर लो। तीसरा है किसी को बोले कि यहाँ पे अगर कुछ हीटिंग हो तो हीटिंग चालू कर दो। चौथा है हम बोल सकते हैं कि इतना ठंडी है मैं घर से बाहर ही निकलूँगा, अगले बार मैं यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आऊँगा, मैं घर में ही बैठ के सुनूँगा। तो क्या अभी ऐसे इसमें से कोई भी एक चीज़ गलत या सही नहीं है। अभी किसी को बहुत ही ठंडी लगती है, उससे बहुत परेशानी हो जाती है, तो शायद चौथा जो रिस्पॉन्स है वो भी सही है। पर क्या है, हम ये एक व्यवहारिक रूप पे हमारे बुद्धि के अनुसार ये तर्क निकालते हैं कि ठीक है इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए। पर जब हमारा मन अनियंत्रित होता है, मैं अभी अमेरिका में था कनेटिकट में, वहाँ पे जो कुछ एडिक्ट्स होते हैं, जो कुछ ड्रग और आदि चीज़ों से आसक्त हो गए हैं, उनको डी एडिक्शन का कैंपेन चल रहा था, तो उसमें मुझे एक लेक्चर देने को इनवाइट किया था। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तभी उस आगे लेक्चर दिया और कन्वर्सेशन भी हो रहा था। तो कई बार जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो अगर शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो ड्रग से इतना आसक्त है। कई बार ऐसे होता है कि वो खुद से इतने हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ना, उसको उनको सारा जीवन आशाहीन लगता है और फिर कुछ राहत चाहिए उनको, तो फिर वो ड्रग्स लेते हैं। तो अभी ये जीवन आशाहीन क्यों लगता है, तो क्या होता है, हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। पर जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, खास करके बहुत सीरियस डिप्रेशन जिनको आ जाता है, तो क्या करते हैं, वो छोटी सी छोटी समस्या का सबसे बड़ा अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब क्या है, वहाँ पे एक हम बात कर रहे थे, एक लड़की बता रही थी कि वो किसी होटल में काम करती थी, टेबल्स पे वेट करती थी, और फिर क्या हो गया, एक बार वह सर्व कर रही थी और उसके हाथ से एक ग्लास गिर गया, और वो ग्लास गिर गया उससे उसको ऐसा लगा कि मैं इतने निकम्मी हूँ कि
कि ग्लास भी नहीं उठा सकते, और उस एक चीज के कारण उसने उसे एक निष्कर्ष निकाला कि आई एम वर्थलेस, मैं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती, और उससे उसको डिप्रेशन का बड़ा अटैक आ गया। और फिर डिप्रेशन से बचने के पहले उसने क्या कर लिया, उसने ड्रग्स लेना चालू कर दिया। तो ग्लास गिरना इतनी क्या बड़ी बात है बोले, हाँ सबसे ग्लास गिर सकता है, नहीं गिरना चाहिए, पर क्या होता है, जो होता है अगर मन हमारा अस्थिर होता है तो फिर क्या होता है, छोटी छोटी चीज से हम बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, छोटी छोटी चीज से। अभी कभी कभी छोटी चीज होती है वो बड़ी चीज का भी लक्षण हो सकती है, पर हर बार ऐसे नहीं है। अगर मान लीजिए दिल्ली में ठंडी लग रही किसी को, उसके कारण कोई बोलता है कि मैं दिल्ली में रह ही नहीं सकता, मैं साउथ इंडिया में चला जाऊंगा, ठीक है। अभी अगर आपको हर महीने हर साल ऐसी समस्या आ रही है तो फिर ठीक है, पर एक बार उसको बोल के अगर वो बड़ा एस्केलेट कर देता है, कंपनीज में वगैरह एस्केलेट बोलते हैं इसको, एस्केलेट मतलब ये समस्या जो है उसको नीचे से ऊपर तक लेके जाना। तो जब हमारे मन जो होता है छोटी समस्या को बहुत बड़ी बना देता है तो फिर उससे डिप्रेशन आ जाता है। जब इस तरह से डिप्रेशन आ जाता है तो फिर डिप्रेशन एक ही चीज़ है, चिंता भी आ सकती है, कोई छोटी सी चीज़ हो जाती है पर उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो अभी किस समस्या को किस स्तर पे हल करना है वो क्या है, इसमें सही गलत कुछ इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं है, उसमें कंस्ट्रक्टिव क्या है, सकारात्मक क्या है ना। ऐसे भी हो सकता है कि किसी के लिए दिल्ली का वातावरण ठीक है ही नहीं, पर वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक छोटे से प्रसंग से बहुत बड़ा निर्णय लेना है या नहीं वह हमें समझने के लिए पहले विचार करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और फिर अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे तो क्या हो गया, ये सॉकेट बराबर डाला है कि नहीं इसमें, फिर मैं देखो कि वहाँ पे डाला है कि नहीं, फिर वो स्विच ऑन है कि नहीं, फिर मैं देखूँगा कि अच्छा ये वायर ठीक से काम कर रही है नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। अभी इसको बड़ा करते जाएंगे एक मित्र कनाडा में बता रहा था कि लगभग 2.5 साल पहले सूर्य में एक उसको ऐसे ही हुआ, वो कंप्यूटर बहुत जरूरी काम कर रहा था, अचानक कंप्यूटर ऑफ हो गया। देखा क्या हुआ है कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है, पर कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा था। तो लगभग 4 मिनट के लिए पूरा ट्राई कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर बाद में बेसिकली पावर आ गया, कंप्यूटर चालू हो गया। तो तभी उसको पता चला क्या हुआ था कि ऐसे एक चीज़ होती है सोलर फ्लेयर्स, सूरज से बहुत तेज किरण निकलती है, और जैसे कोई अगर आग होती है तो चिंगारी निकलती है उससे, तो कोई चिंगारी कहीं दूर जाके गिर जाती है, तो वैसे सूरज से जो फ्लेयर्स निकलते हैं, अगर अभी सूरज से लगभग हर 7-8 साल में ऐसे 7-8 साल नहीं, वो कभी कितने भी समय में आ सकते हैं, पर साधारण 7-8 साल ऐसे फ्लेयर निकलते हैं, अगर वो फ्लेयर जो है वो चिंगारी जो है, चिंगारी नहीं बड़ी अग्नि होती है वो, पर वो अगर पृथ्वी के वातावरण में आ गई तो एक पल में वो सारे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट सारे दुनिया भर के बंद हो जाएगी। तो अभी उस समय क्या हुआ था, वो जो सोलर फ्लेयर भारत के वातावरण के बहुत पास में आ गया था, पृथ्वी के वातावरण के पास में आ गया, अंदर नहीं आया था। तो मतलब क्या है कि मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, उसका कारण ये सभी हो सकता है कि सूरज से वो चिंगारी निकल रही है। तो क्या है, जो समस्या है उसको हर एक चीज को हम किस स्तर पे लेना है, वो उस स्तर पे भी आ सकता है कारण, कभी कभी हम कभी उसका सोचेंगे भी नहीं, पर क्या है कि जो हम व्यवहारिक रूप पे कार्य करना है हमको तभी समझना है कि व्हाट इज द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एक्शन इन द सिचुएशन, इस परिस्थिति में सबसे सकारात्मक कार्य क्या है। तो अगर ठीक है मेरे हाथ से ग्लास गिर गया है तो ठीक है, अभी ठीक है ग्लास उठा लो और वापस भविष्य में थोड़ा ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो। पर जब मन इस तरह से काम करता है तो छोटी सी, तो हम कब एक चीज़ हो सकती है कि छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी बना देते हैं, और दूसरा भी हो सकता है कि बड़ी चीज़ से छोटा कर देते, कि कोई बहुत बड़ी समस्या भी है तो भी उसको बोलते हैं कि क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसी कोई बीमारी है, ऐसे कोई स्वेलिंग वगैरह हो गया जो कैंसर हो सकता है,
अभी कैंसर को ट्रीट करना है तो जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतना अच्छा ट्रीटिंग करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कम से कम, तो उसके ओर ध्यान नहीं देगा, छोटा सा कुछ फोड़ा आ गया शरीर पे, पर वो उस बड़े चीज़ को छोटा मान सकते हैं, हम ये छोटी चीज़ को बड़ा मान सकते हैं. सो टू सी थिंग्स इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इंटेलिजेंस. कि हर चीज़ को अभी जब मुझे ठंडी लग रही है उसको मैं देख सकता हूँ कि अच्छा क्या है कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने आज स्वेटर पहन के नहीं आया, मैं ये ठंडी बज रही है, ये जिन लोगों ने मंदिर बनाया उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग क्यों नहीं किया, वो संदर्भ निकाल सकता हूँ मैं, क्या मैं बोल सकता हूँ जिसने मुझे इस मंदिर में बुलाया उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे ठंडी होती है, या मैं बोल सकता हूँ कि ये आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया है इसके कारण ये ठंडी इतनी बढ़ गई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये दिल्ली का वातावरण इतना खराब है. तो क्या है कि अभी उस परिस्थिति में किस संदर्भ में मुझे उसको देखना है यह समझना बहुत जरूरी है. मैं अमेरिका में एक परिवार के घर में रह रहा था तो बताए थे कि वो काउंसलर थे और किसी काउंसलिंग कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि एक कपल था वो डिवोर्स पे आ गया था और वो सेपरेट होना, उसका शुरुआत कैसे हुआ, उसका शुरुआत इस तरह से हुआ कि जब वो पत्नी कह रही थी कि जब तुम वॉशरूम में जाते हो तुम टूथपेस्ट यूज़ करते हो, टूथपेस्ट इस दिशा के जगह भी उस दिशा में रखते हो. अभी उससे क्या बोले, उससे मुझे समझ में आ गया तुमको यू डोंट केयर फॉर क्लीनलीनेस, यू डोंट केयर फॉर हाइजीन, यू डोंट केयर फॉर मी, ऑल्दो आई टोल्ड यू डोंट डू दिस, देयरफॉर यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी. तुम साफ सफाई नहीं रखते, मैं तुमको बताया तुम मेरा ख्याल नहीं करते, तुमको तुम मेरे लिए सही नहीं हो. तो अभी वो टूथपेस्ट इस दिशा में रखे, उसमें क्या बड़ी बात है. पर क्या है, जो हमारा मन होता है वह किस परिस्थिति, किस प्रसंग को किस संदर्भ में देखेगा यह हम समझ नहीं पाते, या इसका ना समझ नहीं पाते ऐसा नहीं, इसका हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते. अलग अलग लोग उसी चीज को अलग अलग संदर्भ में देखेंगे और वही व्यक्ति उसी प्रसंग को अलग अलग समय में अलग अलग संदर्भों में देखेगा. तो अभी कौन सा संदर्भ सबसे सकारात्मक है यह समझना बहुत जरूरी है. वह नहीं समझेंगे हम तो हम क्या होगा, तो हम गलत स्तर पे कार्य करेंगे. छोटी सी बात है, ठीक है, जो बाथरूम में टूथपेस्ट ऐसे रखना चाहिए ऐसे नहीं रखना चाहिए, छोटी सी बात है, उसको उसी स्तर पे निपटा लो, उसको इतनी बड़े बनाने की क्या जरूरत है. पर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई समस्या है उसको हम निपटे ही नहीं. मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत समस्या है और क्या होता है कभी कभी, ये पहला पॉइंट है, मैं बुद्धि की परिभाषा मतलब क्या है कि हर एक चीज़ को हम उचित संदर्भ में समझने का प्रयास करें. उचित मतलब जो सबसे सकारात्मक संदर्भ हो, उस संदर्भ में अगर हम समझेंगे तो फिर हम सही कार्य कर पाएंगे. तो किसी का सवाल है इस पर भी, हर एक पॉइंट के बाद में किसी को सवाल होगा तो हम एक सवाल ले सकते हैं. विल गो अहेड. ओके या अच्छा यस ओके बोलिए. अच्छा अभी बीच में सवाल हो तो प्लीज इसी पॉइंट से, जनरल सवाल मत करना अभी, लेकिन इसी संदर्भ में सवाल, वह बुद्धि का लक्षण है अभी. यस बोलिए. क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि हम उस समय में वो करेक्ट डिसीजन ले सकें? अच्छा, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं तो किस तरह से हम फैसला करें कि किस तरह से हम समझें कि अगर मैं ये कार्य करने वाला हूँ, फैसला कर रहा हूँ, वो सही है या नहीं, वही सबसे असकारात्मक है. अभी क्या है, उसको अनुभव लगता है, क्या है उसको थोड़ा से कि बड़े संदर्भ में देखना जो है उसको समझना, वो अनुभव से काफ़ी आ जाता है. जो छोटे बच्चे होते हैं कोई भी समस्या आ गई तो रोने लगते हैं, खास करके जब बच्चे बोल नहीं रहे तो छोटा होता नवजात शिशु होता है तो रोते हैं हमेशा, उनकी एक ही भाषा होता है रोना. तो अभी मातृ को समझना पड़ता है कि क्यों रो रहा है, क्या इसको भूख लगी है, या इसको बुखार आया है, या इसको पेट में दर्द है, या इसको सिर्फ जस्ट वॉन्ट्स अटेंशन, मतलब ध्यान चाहिए इसलिए रो रहा है. तो क्या है, वो उसके लिए क्या है, एक ही भाषा है रोना. तो
तो कोई भी समस्या हो उसको एक ही स्तर पे एस्केलेट कर देते, रोना वैसे वो नवजात शिशु का है। पर जैसे हम बड़े होते हैं तो समझते हैं कि अच्छा मुझे ये हुआ तो ये बोलना चाहिए, बोला तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उस तरह से क्या है, जैसे हम धीरे धीरे जीवन का अनुभव करने लगते हैं उससे हम समझने लगते हैं कि ठीक है इस समस्या को इस तरह करना चाहिए। और ऐसे इसलिए मैं बोला कि इसमें सही गलत ज़रूरी नहीं है कुछ है, क्योंकि उस स्तर पर भी देख सकता है कोई। हो सकता है कि ये व्यक्ति मैं इतना एक ग्लास भी उठा नहीं पा रहा हूँ, उसका मतलब ये हो सकता है कि शायद मैं ये काम करने के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे कुछ और काम ढूंढना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि इसमें ये स्तर पर लेना सही है या गलत है, पर सबसे सकारात्मक क्या है, सबसे कंस्ट्रक्टिव क्या है, तो वो हम अनुभव से समझ सकते हैं। कभी छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं हम, अरे इतना बड़ा बात क्यों कर ली इसमें मैंने, बाद में हमको समझ में आता है। फिर कभी कभी बड़ी समस्या होती है, अच्छा इसको पहले मैंने किसी बात की होती तो अच्छा हो जाता था। तो वो अनुभव से हम समझते हैं वैसे। ओके, यस, थैंक यू। कल मैं यही सोच रहा था इस टॉपिक में आप बताएं, तो जैसे इसमें आपने बताया कि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो फर्स्ट कि हाउ ए पर्सन की कैन एक्सरसाइज दिस इंटेलिजेंस, मतलब कि बिकॉज इन डेली लाइफ वी सी कि माइंड इज ओवरकमिंग द इंटेलिजेंस, सो यू सी इज कि बाय वी कैन, but other thing is matlab even if we get some intelligence but still we can't act on that also, ha baat sahi hai, and then we see ki this earth is going, matlab dhati jo hai wo ja rahi hai kiske paas, pehle brahma ji ke paas ja rahi hai fir brahma ji ko leke jaate hain, so hum alag alag cases mein dekhte hain ki different cases mein devta bhi different personalities ko approach karte hain, jaise kabhi shiv ji ko approach kar rahe hain, kabhi brahma ji ko approach karte hain, kabhi bhagwan ke paas jaate hain, तो हाउ दे एक्सरसाइज, मतलब कि किस पर्सनालिटी के पास जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो अभी हमारी बुद्धि भी होती है, होगी भी, हमको बुद्धि का विकास कैसे करें हम, और बुद्धि होगी तो भी मन कभी कभी हमको गुमराह कर देता है, और अगर कोई समस्या का हल भी करना है तो किसके पास कब जाना है वो कैसे समझे हम। तो एक प्रिंसिपल मैं अपनाने का प्रयास करता हूँ, नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस। ये क्या है कि जो भावनाएं होती हैं आती है जाती है, कभी क्या होता है किसी कोई ऐसा कुछ कार्य करता है वो बहुत गुस्सा आ जाता है, और उस समय गुस्से में हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि उससे शायद रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ मत करो जिससे कि हमेशा के लिए उससे परिणाम हो जाएगा। जो परिस्थिति है, जो इमोशंस है, वो टेम्पररी है। अभी ऐसे नहीं है कि हमें कुछ डिसीजन कार्य नहीं करना है, पर वो जो भावनाएं आती है, भावनाएं आएगी जाएगी, उसके बाद में शांत होने के बाद विचार कर सकते हैं। तो क्या है कि जब हम कार्य कर लेते हैं उसके बाद में उसको पुनः हम अंडू नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है करना वो। तो इसीलिए नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस, ये एक प्रिंसिपल हम अपना सकते हैं। और ये वास्तव में क्या है, तामसिक शब्द भारत का ही एक अलग पद्धति से वही बताया गया है कि थोड़ा सहन कर लो। अभी जब हम इतना से अनुभव से बुद्धि आती है, थोड़ा विचार करने से बुद्धि आती है, भावनाएं आती है, भावनाएं जाती है, जब भावना जाने के बाद जब शांत हो जाती है तभी हम अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। तो भावनाओं के वश में कुछ कार्य नहीं करना है, ऐसे नहीं कि भावनाओं को दबाना है, पर उस समय मैं कार्य नहीं करूँगा, उसके बाद में थोड़ा विचार करके फिर मैं फैसला कर सकता हूँ। और इसके लिए किस समस्या के लिए किसके पास जाना है वह भी क्या है, हमारा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का क्या जिम्मेदारी है या क्या उनका पोस्ट है, और उससे ज़्यादा उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, वह सब देख के हमको फैसला करना था। मैं जब एक मंदिर में रह रहा था तो वहाँ पे जो एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे मुझे कि अगर तुमसे तुम्हें कुछ काम करवाना है मेरे पास आओ, तुमको बात करनी है तो उनके पास जाओ। बोले बैठ के बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं, पर कुछ काम करवा रहे तो मेरे पास मैं कर्म द्वारा मदद कर दूंगा। तो कुछ कुछ भक्त होते हैं वो स्पष्ट कर देते हैं, पर कुछ कुछ भक्त होते हैं उनके हमको स्वभाव से समझ जाता है, उनके आदान प्रदान से समझ जाते हैं कि ये जो करना है कैसे होता है कि एक तरह से कि भक्तों का संग एक ज्वाइंट फैमिली के समान है। तो क्या होता है, अगर बड़ी ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग ज़रूरतें पूरी करती है। अगर हमको कुछ चाहिए, ये करना है वो करना है, तो फिर हमारे माता पिता हो सकती है,
अगर हमको सिर्फ कुछ बड़ा दुख हुआ है तो हम दुखी होकर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सांत्वना चाहते हैं, शायद हमारे दादा दादी हो सकते हैं। जो तो अलग अलग लोग अलग अलग भूमिकाएँ करते हैं, अलग अलग ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो ये उस तीन चीज़ें बताया कि उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी या पोस्ट और हमारा उनके साथ का संबंध, इन तीनों के द्वारा हम फैसला कर सकते हैं मैं किसके पास जाना है। तो ओके, वन क्वेश्चन, आई विल मूव ऑन। बोलिए, आप बोलिए, मैं दोहराता हूँ। समस्या आती है किसी की तो हम उसको करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कोई समस्या अपने ऊपर आती है तो उसका समाधान अपनी बुद्धि से भी कर देते हैं, क्योंकि वो या दूसरे को मिले उसका हल नहीं। क्या कैसा समस्या बोले? किसी की समस्या आई तो हमने हाँ उसको हल किया तो ठीक भी हो गया, लेकिन कभी अपनी समस्या आ जाती है उसी उसी सिचुएशन में तो फिर हम उसको हमारी बुद्धि से भी बदलती है। यस, जब हमें खुद को समस्या आती है तो हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाता है। हाँ, इसमें एक मित्र है, वो डॉक्टर है, बता रहे थे कि डॉक्टर में ऐसा खासकर सर्जन है और या डॉक्टर और सर्जन है, वो बता रहे थे कि जब जब उनको खुद बीमारी होती है तो वो खुद को डायग्नोज नहीं करते, प्रिलिमिनरी कर सकते थोड़ा सा बुखार है, पर अगर और सीरियस हो गया तो वो खुद की डायग्नोज में नहीं आते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भावनाएँ आती हैं तो वो किसी और को कंसल्ट करते हैं। तो इस तरह से जैसे अभी अभी कुछ हद तक अभी अगर हम डॉक्टर नहीं हैं तो थोड़ी सी बीमारी भी आएगी तो हम खुद हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अगर कोई डॉक्टर है तो थोड़ी सी बीमारी आएगी तो खुद को शायद ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर बहुत गंभीर हो गया है तो उनको भी किसी के पास जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से क्या है कि जब हम नए होते हैं तो फिर हमें शायद मार्गदर्शन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए पास शायद हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास जाएंगे, पर जैसे हमको थोड़ा अनुभव आता है, हम थोड़े वरिष्ठ बन जाते हैं तो फिर तो क्या होता है हमें खुद की कुछ समस्याओं का हल खुद ढूंढना पड़ता है। पर अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा भक्त ढूंढना चाहिए जिसका हम जो हमें नॉन जजमेंटली सुन सके। नॉन जजमेंटली मतलब क्या कि अगर मैं बोला अच्छा मुझे ऐसे मैं ऐसे लग रहा है मेरा मैंने ऐसे किया ऐसे किया, अरे तुम तो इतने सीनियर हो तुम भी ऐसे करते हो, अगर वो ऐसे बोलने लगे क्या होगा तो फिर हमारा बोल ही नहीं पाएंगे उनसे। तो हम सबको ये चाहिए कि कोई ना कोई एक तो भक्त हो जो हमको नॉन जजमेंटली सुन सके, और फिर ऐसे नहीं कि जब जो कोई वरिष्ठ होता है तो शायद उनको मार्गदर्शन नहीं होता है, मार्गदर्शन नहीं देते, अगर उनसे हमसे बहुत कोई वरिष्ठ भक्त है मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा डिस्कशन हो जाता है तो भी हमको कोई और पहलू मिल जाता है, ठीक है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोई ना कोई हमको ज़रूर चाहिए जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, और शायद वो वही चीज़ बताएगी जो हमने सोची होगी, पर क्या है वो उसको एक अलग संदर्भ में अलग विश्लेषण के साथ बताएंगे तो उससे हम और कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ वो कार्य कर सकते हैं। तो दूसरे पहला पॉइंट ये था। ओके, कैन वी क्लास के अंत में ले सकते हैं हम बताइए। तो पहला पॉइंट ये हमने देखा कि किस तरह से बुद्धि का मतलब है कि हर एक समस्या का उचित संदर्भ में हम उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ये मैं देखा था कि कैसे कि हम किस समस्या को हमें खुद के हाथ में लेके उसका निवारण करना है और किस समस्या के लिए उसको शरणागत होके या भगवान पे निर्भर हो जाना है। तो अभी यहाँ पे जब अभी हम शास्त्र में कहते हैं शास्त्र में बताया गया है कि ये जगत दुखालय है, तो अभी पृथ्वी दुख में है और ब्रह्मा जी की आवाज आती है, और ब्रह्मा जी तभी उनसे नहीं कहते हाँ ये जगत तो दुखालय है तुम वही अनुभव कर रहे हो अभी नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं वो, क्यों? क्योंकि अभी जब ऐसे बताते हैं शास्त्र ये दुखालय है उसका मतलब नहीं है कि सबको उसमें दुखी रहना है, उसका मतलब है कि हमारी जो अपेक्षाएं है उसको मॉडरेट करना है, उसके अपेक्षाओं को उचित मार्ग में रखना है। अभी कैसे है कि जगत दुखालय उसका मतलब क्या है, एक बार उसका उपमा लेनी है तो जगत एक अस्पताल के समान है। अभी अस्पताल में जो भी एडमिटेड है वो सब उनको कुछ ना कुछ तो पीड़ा होगी ही, तो अगर हॉस्पिटल में अगर कोई सोचता है कि मैं ऐशो आराम से रहूँगा तो संभव नहीं है, पर अभी हॉस्पिटल में भी अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो फिर थोड़ा नर्स को बुलाएंगे डॉक्टर को बुलाएंगे या कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो अभी इसी तरह से जगत दुखालय है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दुखी है और उसको हम बताएं कि ये दुखालय ही है, कि दुख भी अलग अलग स्तर के होते हैं, और कभी कुछ दुख इतने इतने गंभीर होते हैं
कि उनका निवारण करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए व्यवहारिक रूप से कार्य करना होता है। तो जो तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान ये ज़रूरी है समझना कि ये जगत दुखालय है जैसे कि, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तत्वज्ञान का इस्तेमाल करें समस्या का हल न करने के लिए। अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हाँ हमको जीवन में समस्याएं हैं और उसको थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए। तो ये जीवन का ही स्वभाव है, ये रिश्तों का स्वभाव है, ये जगत का स्वभाव है, दुख आते सहन कर लो इसको, ये ज़रूरी है एक तरह से। मैं कनाडा में था, एक भक्त है वहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट है और वो बोले थे मैं कई सालों तक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कर रहा था और अभी मैं ग्रुप साइकोथेरेपी करता हूँ। साइकोथेरेपी मतलब क्या, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो दवाई देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दवाई नहीं देते, वो बात करते हैं, बात करके भावनाओं का जो कुछ मार्गदर्शन देके उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो अभी ग्रुप साइकोथेरेपी मतलब क्या, कई लोग साथ में बैठते हैं और वो लोग अपनी समस्याओं का बात करते हैं, फिर कुछ सलाह मशवरा होता है, फिर उससे कुछ हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अभी कौन, अभी हमारे जीवन में जो भी दुख है, हमारी ग्लानी है, कभी कभी वो इतने प्राइवेट होते कि एक व्यक्ति को बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 10-15 लोगों के सामने कौन बोलने वाला है ये सब। वो बता रहे थे कि वास्तव में मेरे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी कोड्स होते हैं कि आपको किसी को पब्लिक में कुछ बोलना नहीं है, तो वो सब मानते हैं कि सब ने कुछ बोला हुआ है वहाँ पे। पर वो बोले कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम सब का मन हमको ये बोलता है कि तुम्हारे जैसा दुखी कोई नहीं है, फ्यू थिंग्स मेक अस एज अनहैप्पी एज द बिलीफ दैट एवरीवन एल्स इज हैप्पी। हमको बहुत दुख इसलिए होता है कि हमको लगता है बाकी सब लोग सुखी है, मैं अकेला दुखी हूं। पर जब हम सबकी समस्याएं सुनते हैं तो लगता है नहीं बाप ये क्या है, सबके जीवन में समस्या है। तो एक ऐसा ही सेशन हुआ था, उसके बाद में बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, फिर सबने अपनी समस्याएं बताई, फिर उन्होंने बोला कि सबको कि अगर ये थॉट एक्सरसाइज करते हैं, विचार करो आप कि आपकी समस्या आपके जीवन से आप बाहर निकाल के इस टेबल पर रख सके और सब अपनी अपनी समस्याएं टेबल पर रख सके, तो आप में से कोई आपकी समस्या किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहेगा? और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो क्या है, एक तरह से ये सबके जीवन में समस्याएं हैं और उसको ये दुनिया में समस्याएं हैं ये समझ के हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहना यह भी ज़रूरी है, यह सहनशीलता है, यह टॉलरेंस है। पर कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती है उसके लिए हमें कुछ व्यावहारिक रूप पर हल ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ अभी वो कैसे है, वो समस्या क्या है, किस प्रकार की है। कुछ समस्या ऐसी होती है, ठीक है, रिश्तों में समस्याएं आती रहती हैं, लोग दो लोग होते हैं तो साथ में नहीं, साथ में रहेंगे तो थोड़ी समस्या आएगी। पर अगर उसमें कुछ बहुत ही सीरियस हो रहा है तो फिर उसमें हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अलग अलग परिस्थिति क्या है, कुछ चीज़ों में तत्वज्ञान के आधार पर समझते कि सहन कर लो, पर ऐसे नहीं है सहन कर लो का मतलब हर चीज़ को सहन करना है। यहाँ पे ये जगत में दुख होता है, पर जब इस जगत में असुरों का राज हो जाता है, असुर आतंक करने लगते हैं, तो फिर पृथ्वी को ब्रह्मा जी नहीं कहते कि आप ये सहन कर लो, कहते हैं कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इतना गंभीर है कि इसके लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा और भगवान से हल ढूंढना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि कोई हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आता है और हम उनको फिलोसॉफिकल सॉल्यूशन दे देते हैं और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। किसी को बोला मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है। एक बार एक प्रभुपाद जी एक लीडर्स का मीटिंग कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें बताई है, पर यहाँ पर ये मायापुर में मीटिंग हो रहा था कि हमारे जो लीडर्स है उनको और सक्षम बनना चाहिए देख भक्तों का देखभाल करने के लिए, हमारी संस्था हमारे आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो हमें जो लीडरशिप का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए। तो फिर कोई एक भक्त ने बताएगा हम सबको ध्यान से जप करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने कहा अनदर इम्प्रैक्टिकल आंसर, कि एक और इम्प्रैक्टिकल आंसर है। अभी बोले कैसे इम्प्रैक्टिकली, प्रभुपाद जी ने कहा जप करना ज़रूरी है। हाँ जप करना ज़रूरी है, पर क्या है हर संदर्भ में हर एक चीज़ बताई गई। अगर कुछ व्यवहारिक रूप के कुछ मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ चीज़ करना है तो उस समय वो करना है। साधना भी ज़रूरी है,
पर क्या है कि अगर कोई, अगर मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो, क्या करो? जप करो। हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जप करो, उसे सब समस्या से हल, सब समस्या हल हो जाएगी। हाँ ठीक है, पर वो तो अंत में हो जाएगी, तब तक मेरे हाथ का क्या होगा? तो अभी उस समय अगर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए आपको। तो अगर मान लीजिए मंदिर में कहीं आग लग गई है, चलो हम कीर्तन करते हैं। अभी कीर्तन बहुत अच्छा है, कीर्तन से संसार दावाग्नि जो है वो बुझ जाएगी, पर ये दावाग्नि बुझने के लिए आपको पानी चाहिए। तो क्या है, कुछ समस्याएं होती है उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है। अभी कुछ समस्याएं होती है उनको हमें तत्व ज्ञान के स्तर पर समझना चाहिए, ये ऐसे स्वभाव है इस जगत का या इस चीज़ का, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अभी किस चीज़ को हम अपने हाथ में लेके उसका समस्या का हल निकालें, और किस चीज़ को हम भगवान पे निर्भर रहे या इसका स्वभाव है समझ लें, इसके लिए क्या है कि हमें समझना है कि क्या हम परिवर्तन करना हमारे शक्ति में है, और क्या परिवर्तन करना हमारे इंटरेस्ट में, हमारे रुचि में है। इस दुनिया में सैकड़ों हजारों चीज़ें गलत हो सकती हैं, पर हम क्या बदल सकते हैं और हम क्या बदलना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते सातवें स्कंद के एक तात्पर्य में कि वी शुड ऑलवेज कीप आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस हेल्दी एंड स्टाउट सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ फ्रॉम अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। कि हमें हमारी बुद्धि को हमेशा सुदृढ़ रखना है, जिससे कि दुनिया में अनेक समस्याएं हैं, पर इनमें से जीवन का उद्देश्य के ओर जाने के लिए किस समस्या का हल मुझे करना चाहिए वह समझे। तो इसलिए अगर हम ये भाव रखते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की ओर मुझे प्रगति करनी है, पर वो किस कहाँ करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे भगवान के स्मरण में जाना है, मुझे इस जगत में भगवान की सेवा करनी है। तो अगर हम सेवा भाव रखते हैं, तो सेवा भाव अगर होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि इस उसमी बुद्धि योगम तम ये नामोपयान दे। अगर हम प्रामाणिक सेवा भाव रखते हैं कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इस समय क्या करूँ मैं, तो अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया किसी का, उनको बोल सकते हैं आप जब करो आपका थोड़ा मन शांत रहेगा, पर उसके हाथ में उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अगर कोई अग्नि लग गई है तो हाँ तभी हम कीर्तन जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पर उस साथ साथ हम कुछ उस अग्नि को ऐसे बुझाना है वो देखेंगे। तो बुद्धि जब होती है हमारे पास, तो ये क्या होता है कि हम बुद्धि कैसे आएगी, ये यहाँ पे ऐसे है, ये जो श्लोक है ना इसका अर्थ क्या है, ददामि बुद्धि योगम तम, इंटेलिजेंस इज द फ्रूट ऑफ सर्विस एटीट्यूड। कि बुद्धि ये सेवा भाव का फल है। भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि जो बुद्धि है कैसे मुझे कार्य करना है किस परिस्थिति में, ये एक तरह से मैंने पहले बताया कि अनुभव से हम समझ सकते हैं, पर भक्ति में अगर हम प्रामाणिक सेवा भाव रखते हैं तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो भगवान हमें अंदर से मार्गदर्शन देंगे, ठीक है इस परिस्थिति में ऐसे करो, इस परिस्थिति में ऐसे करो, इस परिस्थिति में ऐसे करो, और इस तरह से जो हम उस परिस्थिति में क्या कार्य करना है। अभी कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी जिस पर हम भगवान पर ही निर्भर रहना है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हमें खुद की क्षमता से, खुद की शक्ति से प्रयास करना है। एक उदाहरण इसके लिए कि मान लीजिए हम सागर में जा रहे हैं, अब सागर में कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है, और अगर कोई बहुत बड़ी लहर आ गई है तो उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते, तो तभी शायद वो लहर हमको जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में लेके जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते उस समय। पर अगर हमें सागर में तो लहरें तो आती ही रहने वाली है, कोई बहुत बड़ी होगी कोई छोटी छोटी होगी, पर फिर भी जब लहरें नहीं हैं तो हमें जिस दिशा में जाना है उस दिशा में हमको प्रयास करना है, प्रयास करना है। तो उसी तरह से क्या है, ये जीवन को भवसागर बताया गया है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी लहरें आ जाएगी तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है स्वीकार कर लेते हैं, और इस परिस्थिति में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ। और जब ऐसे लहरें नहीं है तो हमें खुद को प्रयास करना है, खुद को प्रयास करके आगे बढ़ना है। जैसे प्रभुपाद जी जो भारत में प्रचार कर रहे थे 30-40 साल तक, यहीं पर दिल्ली के शहरों में प्रभुपाद जी बड़े मुश्किल, बड़े कठिनाई से भगवत दर्शन का वितरण करते थे, पर फिर भी कोई रुचि नहीं रहता, क्योंकि उस समय क्या भारत में एक लहर आ गई थी भौतिक प्रगति की, कि अभी भारत को आज़ादी मिल गई है
और ये आज़ाद भारत क्या करेगा, भौतिक प्रगति करके उससे हम समृद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो वो लहर ऐसी थी कि उसके प्रतिकार में प्रभुपाद जी भी जा नहीं पा रहे थे, कितना भी प्रचार करो वो लोगों के मन में जा ही नहीं रहा था। तो तभी क्या प्रभुपाद जी ने किया, ठीक है उस लहर के हम खिलाफ नहीं जा सकते, तो प्रभुपाद जी उस लहर के रास्ते से बाहर निकल गए और अमेरिका चले गए। और उस समय में अमेरिका में ऐसी लहर थी कि जो लोगों को आध्यात्म की ओर ले जाती, ऐसी लहर थी कि वो ऐसे नहीं कि आसानी से वहाँ पे आध्यात्म की ओर भक्ति की ओर प्रभुपाद जी लेके आए, पर वहाँ पे लोगों को रुचि थी। और तभी क्या हो गया, तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य एक ही था कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना था, पर कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने उस लहर के रास्ते से बाजू को हो गए और ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे वो लहर अनुकूल थी। तो इस तरह से हमें, अगर हम सेवा भाव दृढ़ संकल्प से रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान की सेवा में लगने वाला हूँ, मुझे भगवान आपकी सेवा करनी है, तो फिर जो भी परिस्थिति आएगी, किसको हम ठीक है मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, या किसको मैं बदलने का प्रयास करूँगा, यह समझ पाएंगे हम। तो जो मैं पहला पॉइंट बता रहा था कि किस परिस्थिति को किस संदर्भ में देखना है, किस समझ प्रसंग को किस समझ में देखना, वो बुद्धि है। तो उसका ही अगली बात है, कुछ ऐसे एक प्रसंग हो सकता है कि पूर्ण तरह से भगवान पर निर्भर हो जाओ, जैसे होता है कि हाँ भगवान पे निर्भर रहो पर व्यवहारिक रूप से पूरा प्रयास करो। मैं जब 20-25 साल पहले जब प्रवचन पहले देने लग गया था, तो एक वरिष्ठ भक्त ने मुझे कुछ मार्गदर्शन के लिए पॉइंट बताए थे, तो उसमें आखिरी पॉइंट था डिपेंड ऑन कृष्णा, भगवान कृष्ण पे निर्भर रहो, पर बाद में ब्रैकेट में लिखा था बट ओनली आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड। भगवान पे निर्भर रहो पर आपने खुद तैयारी करने के बाद। अगर कोई प्रवचन करने आता है कुछ तैयारी नहीं की, मैं भगवान पे निर्भर हूँ, वो भगवान पे निर्भरता नहीं है, वह क्या है, वह गैर जिम्मेदारी है। इसलिए हमें भगवान के एक तरह से अंतिम दृष्टि से हम हर चीज़ पे भगवान पे निर्भर है, पर व्यावहारिक दृष्टि से कुछ चीज़ों पे हमें जिम्मेदारी लेनी है। तो ये कैसे समझेंगे, सेवा भाव अगर साथ में रखेंगे, सेवा भाव स्थिर रखेंगे तो ये समझ जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट था कि किस परिस्थिति में हमें भगवान पर निर्भर होना है, किस परिस्थिति में खुद कार्य करना है, यह हम समझेंगे सेवा भाव के द्वारा। इस पे किसी का कोई सवाल है, एक सवाल yes. हाँ जैसा ऐसे कहानी है कि राजा जनक होते वो श्रवण करते थे, और जब उनके महल में आग भी लग गई तभी उनमें कुछ विचलित नहीं हुए वो, ये बात सही है। उसमें भी पूरी कहानी अगर हम सुनते हैं तो कहानी क्या थी कि वो जो उनके गुरु थे या जो वहाँ पे साधु थे कथा करने थे, वो कथा करने वाले थे और राजा जनक की प्रतीक्षा में रुके हुए थे वो, और एक समय पर प्रवचन शुरू करने वाले थे, पर वो तभी वो रुक गए, चालू नहीं किया। तो कई लोग वहाँ पे जो थे उपस्थित हो गए, बोले क्या है ये, एक व्यक्ति बोले रुके क्यों हैं, ये राजा क्यों नहीं आ रहे, तो ये राजा भौतिक कामों में इतना आसक्त है कि ये भगवान कथा सुनने के लिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो कोई ब्राह्मण थे वगैरह सब थोड़े राजा के मन में निंदा कर रहे थे, एक दूसरे में बात कर रहे थे, पर बाद में राजा जनक वहाँ पे आ गए और वो जब सुनने को लग गए वो वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, वो पूरे एकाग्रता सुनने लग गए। और बाद में जब जानकारी आई ऐसे किसी बताया कि आग लग गई है, तो जो सारे जो ब्राह्मण गण थे वो उठ के भाग गए, अरे हमको हमारा घर बचाना है, पर राजा जनक वहीं पर बैठे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज़ में भगवान पे निर्भर रहना है और खुद कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। जब महाराज जनक कुछ राज्य की जिम्मेदारी कर रहे थे तब वो अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा रहे थे, इसीलिए वो जिम्मेदारी पूरे करने में उनको थोड़ा समय लग गया, पर जब वो भगवान की कथा सुनने आ गए तो उसमें पूरा अपने ध्यान लगा दिया। और उन्होंने ऐसे सिस्टम वगैरह बनाई थी कि वो आग भी लग गई है तो कोई देख लेगा उसको, मुझे इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख सकते हैं। तो क्या है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हम देखते हैं परीक्षित महाराज को जब शाप मिल गया
तो तभी उन्होंने 7 दिन पूरा ध्यान करके भागवत का ही श्रवण किया. पर जब उसके पहले वो राजा थे, वो कोई जिम्मेदार पद में थे, तभी जब उन्होंने ऐसे किया, 7 दिन श्रवण किया, तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राजा बना दिया और चले गए. पर जब वो जिम्मेदार पद में थे, तब उनको जानकारी मिली कि कली मेरे राज्य में और सक्रिय हो गया है, तो वह को वो खुद निकले अपने सारे राज्य का निरीक्षण करने के लिए. और फिर उन्होंने वहाँ पे कार्य किया. जैसे ही कली को देखा तो उसको उसका उसका आक्रमण किया, उसको सजा दी. तो कैसे है कि एक है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक कार्यों में हमारी चेतना को लगाना ये बहुत ज़रूरी है. पर अगर भौतिक स्तर पे हमने कोई जिम्मेदारी स्वीकार की है, तो भौतिक स्तर पे हर एक जिम्मेदारी, विथ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम सम प्रिविलेज, उसे कुछ आदर मिलता है, कुछ शक्ति मिलती है. तो अगर हम वो आदर और शक्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उस पद के लिए जो भी व्यवहारिक रूप से करना है वो हम करें. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वो पद स्वीकार मत कीजिए. तो ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को व्यवहारिक रूप पे ही प्रतिकार करना है. पर अगर व्यवहारिक स्तर पे हम कुछ ले रहे हैं समाज से, व्यवहारिक स्तर पे हम आदर ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, और फिर हम उसके आदान प्रदान में जो अपेक्षित है हमसे वो नहीं कर रहे, तो फिर वह उचित नहीं है. अगर मान लीजिए हमको कुछ मुश्किल सवाल है, भगवद्गीता के इस श्लोक में ऐसे क्यों बताया है, तो अगर हम किसी साधारण भक्त को पूछ सकते, बोलते क्या है कि आप इतना टेक्निकल मत जाओ, आप जब करो सब सवालों का जवाब मिल जाएगा. ठीक है, ये भी एक जवाब है. पर अगर हम भक्तिशास्त्री कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पर भगवद्गीता का सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, और फिर हम भगवद्गीता को सवाल पूछते हैं और टीचर बोलता है कि तुम जब करो सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, फिर मैं भक्तिशास्त्री कोर्स क्यों, आप भक्तिशास्त्री टीचर क्यों बन रहे हैं फिर, क्या है? तो तभी आपको अच्छे तरह से उस वो टीचर को, अभी ऐसे हो सकता है कुछ सवालों का जवाब मुश्किल हो, पर अगर कोई भक्तिशास्त्री टीचर बनने की जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी की भगवद्गीता इस हद तक समझे कि वो जवाब दे सके. तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है. तो अगर खास करके हम कुछ पदवी ले रहे हैं, तो हमें उस समय उसकी जो अपेक्षित जिम्मेदारी है वो व्यवहारिक स्तर पे भी करना ज़रूरी है. ऐसे हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हम व्यवहारिक स्तर पे कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर व्यवहारिक स्तर पे कुछ भी पदवी मत लो. हमारे भी परंपरा में ऐसे होते हैं, भजनानंदी होते हैं, घोष्टानंदी होते हैं. जो भजनानंदी होते हैं वो जगत से कुछ भी लेते नहीं, जगन्नाथ बाबा जी ऐसे थे, कुछ भी लेते नहीं थे वो अपने भजन कुटी भी नहीं थी उनके, छोटी जगह पर रहा करते थे और भजन करते थे. पर अगर कोई प्रचार करना चाहता है, कोई संस्था का अध्यक्ष बना हुआ है, काउंसलर बना हुआ है, प्रचारक बना हुआ है, तो फिर वो केवल वो उनको व्यावहारिक जिम्मेदारी है वो भी करनी ज़रूरी है. तो आंसर योर क्वेश्चन, यस प्लीज. कि जब हमें कुछ चीज पे कुछ सकारात्मक कार्य करना है, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है और हमारी रुचि क्या है. ये एक विस्तारित समय पीछे है, इसीलिए कई बार मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देता हूँ, कैसे कि हाउ टू फाइंड योर पर्पज़ इन लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढे. हमें कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, वो ठीक है, वो अंतिम उद्देश्य है, पर व्यावहारिक रूप से इस जीवन में मुझे क्या करना है. कई बार अभी खास करके अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा मंदिर नहीं है, अच्छा मार्गदर्शन नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि देर आर लॉस्ट सोल्स इन द मटीरियल वर्ल्ड, कि भौतिक जगत में जो आत्मा है वो गुमराह हो गए, भटक रहे हैं. पर ऐसे भी हो सकता है कि कई गुमराह आत्मा इस्कॉन में भी हो, वो अभी भक्ति करने लग गए, पर मेरे भक्ति के जीवन में करना क्या है मुझे, क्या है कि हमें हमारे जीवन आजीवन अगर भक्ति करनी है तो हमको कोई जिम्मेदार सेवा चाहिए. द सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ इज प्रपोर्शनल
टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट वी एक्सेप्ट इन लाइफ. हमारा जीवन उस हद तक अर्थपूर्ण बनता है जिस हद तक हम कोई जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं. अगर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते तो क्या है, हमारा मन खुद को ही द माइंड कीप्स फीलिंग सॉरी फॉर वन सेल्फ. अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, उसने ऐसे बोल दिया, अरे ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं. क्या होता है कि इंग्लिश में ऐसे लेते, कुछ लोग क्या करते, पिटी पार्टी करते. पिटी पार्टी मतलब क्या? कि ओ एक व्यक्ति बोलता है अरे मेरे साथ ऐसे बुरा हो गया, दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरे साथ ऐसे बुरा हो गया. हाँ, दोनों साथ में आते बोलते दुनिया कितनी बुरी है देखो. और कुछ हल निकालते नहीं है वो. तो इसलिए क्या है कि हमें जरूर भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति अंतिम उद्देश्य है, पर व्यवहारिक रूप से हमें किस तरह से करना है वो अभी वो समझने के लिए क्या है कि हम देख सकते हैं कि अगर ती, ती, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम आउटसाइड दैट ट्रबल्स मी द मोस्ट. कि अगर दुनिया में हजारों चीज़ें गलत है पर ऐसे कोई चीज़ ऐसी जो मुझे उससे मुझे बहुत परेशानी होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल आई हैव टू डील विद द प्रॉब्लम. कि ये समस्या का हल करने के लिए मेरे पास क्या क्षमता है. अगर कोई मंदिर में आता है बोलता है कि यहाँ पे जो है ना ये आप ये मंदिर का जो आपका नोटिस बोर्ड है ये इतना अच्छा नहीं है. ठीक है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ. मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगा, अच्छे प्रिंट आउट लूँगा, अच्छे तरह से सब कुछ करूँगा. तो क्या है कि हम सब देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है. पहले तो आते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि हमें जो भी सेवा बताई गई हम करते हैं, पर हमको अगर आजीवन सेवा करनी है तो हमें देखना चाहिए कि जो बाहर का समाज है या जो भी मंदिर है जो भी हमें, कि कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी ज़रूरत है जो पूरी करनी है. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी फील स्ट्रांगली अबाउट, मतलब उसमें हमको रुचि है, और व्हाट इज़ द पोटेंशियल आई हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम. अगर ये दोनों चीज़ों का समन्वय आ जाता है तो फिर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हमको भी लगता है कि मैंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैंने कुछ किया. और ये क्या है, ये हमारे जीवन के भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, पर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ऐसे हो सकता है कि ठीक है मैं अगले 6 महीनों के लिए मैं ये कार्य करूँगा. मान लीजिए अगर हम कुछ प्रचार करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि मुझे इतना तत्वज्ञान पता नहीं है, तो फैसला करूँगा अगले 6 महीनों के लिए मैं शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, अच्छी तरह से लेक्चर सुनूँगा. फिर हमको बाद में लग सकता है कि ठीक है मैं तो ये कर रहा हूँ पर मुझे कुछ अभी प्रचार करना चाहिए, तो हम वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन ले सकते कैसे करना है. तो फिर क्या है, इसी तरह से हम खुद भी फैसला कर सकते हैं दूसरों के मार्गदर्शन के लेकर. तो क्या मतलब किस चीज़ में रुचि है, मतलब मुझे क्या मुझे करना अच्छा लगता है, क्या अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बुरा लगता है, वो भी उस तरह से देख सकते हैं. और फिर हाँ मेरे पास ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ. एक तरह से हमको हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है और कुछ कुछ ऐसी होती है जो हमको बड़ी अच्छी लगे पर जिम्मेदारी इसलिए करनी पड़ती है. पर क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम खुद करना चाहते हैं कि ये मैं भगवान के लिए योगदान के रूप में करना चाहता हूँ, ये मुझे प्रेरणा है. तो अगर वैसा होगा तो क्या होगा, हम एक स्थायी रूप से सेवा कर सकते हैं. मैं अलाचुआ में था अमेरिका में, वहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य रोचन प्रभु वो मुझे बता रहे थे, मैंने पढ़ा, पहले प्रसंग पढ़ा भी था पर वो बता रहे थे मुझे कि किस तरह से जब हम वो इंग्लैंड में थे, तो जब इंग्लैंड में थे तो तभी कई भक्त आ रहे थे इधर उधर से, और प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि जर्मनी में ऐसे प्रचार चल रहा है, फ्रांस में ऐसे प्रचार चल रहा है. तो वो सोचने लगे कि हर भक्त को कुछ सेवा है भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, तो मेरी क्या सेवा है. तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी मैं आप मुझे कुछ सेवा दीजिए. तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप क्या करना चाहते हो भगवान के लिए. नहीं प्रभुपाद जी, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा. नहीं, आप क्या करना चाहते हो. नहीं प्रभुपाद जी, आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा. तो प्रभुपाद जी बोले, हमारा तत्वज्ञान समझो, फाइंड आउट समथिंग टू डू एंड देन डू इट फॉर कृष्ण. कि आप ढूंढो कि आप क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट समथिंग दैट यू लाइक टू डू एंड देन डू इट फॉर कृष्ण. आपको क्या अच्छा लगता है वो ढूंढो और वह करो. क्या है, अभी हमारी संस्था इतनी बड़ी बन गई है कि शायद वरिष्ठ भक्त हमारे गुरु वर्ग या कोई शायद हर भक्त को समझ के उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसको सब कुछ समझ के किसी को एक एक सेवा देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो अगर सेवा मिल रही है तो वो एक भाग्य है, हमें लेना चाहिए, उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं. तो जो सेवाएं हमको मिलती है वो हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए.
पर साथ साथ अगर हम ये देखेंगे कि मुझे किस में रुचि है और मुझे किस में क्षमता है, प्रतिभा है, तो फिर हमें खुद प्रेरणा मिलेगी वो करने के लिए। हमको दूसरे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ सेवा ऐसे होते हैं वो हम बोलते हैं, अपने किया, हाँ मैं कर दूँगा, किया मैं कर दूँगा, और 10 बार फॉलोअप करना पड़ता है। उसके बाद जाता है, इतना फॉलोअप करने से मैं खुद ही कर देता था ये तो क्या है, कभी कभी हमको प्रेरणा नहीं होगी या किसी को प्रेरणा नहीं होगी तो फिर वो सेवा करेंगे नहीं, पर अगर उनको प्रेरणा खुद हो जाएगी तो फिर वो स्थायी रूप से वो सेवा कर सकते हैं। डज दैट एड्रेस योर क्वेश्चन? तो अभी आखिरी पॉइंट में लेता हूँ कि पहला पॉइंट ये था कि हमें बुद्धि से समझना है सबसे सकारात्मक रूप से इस प्रसंग का कैसे मुझे प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर हम सेवा भाव रखते हैं तो किस चीज़ में भगवान पर निर्भर रहना है, किस चीज़ में खुद जिम्मेदारी लेनी है समझना है। आखिरी पॉइंट ये देखना है कि बुद्धि का मतलब है कि कभी भी हम हताश नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिवोटी में बी परप्लेक्स्ड बट अ डिवोटी इज नेवर डिस्करेज्ड। कभी कभी भक्त जो होता है उसको कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, समझ में नहीं आता, परप्लेक्स हो जाता है वो, पर कभी हताश नहीं हो जाता। हताश होना मतलब मुझे सेवा करने की इच्छा ही नहीं है। परप्लेक्स मतलब कि मुझे वो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन है, ऐसे मोह है कि क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये पता नहीं है। तो खास करके हम हताश क्यों होते हैं? हम हताश इसलिए होते हैं कि हम किसी, हमारी जो भक्ति है, हमारी इच्छा है, हमारी भावना है, वो किसी एक चीज़ में इतना लगा देते हैं, और वो अगर एक चीज़ नहीं हो रही है तो हम खुद को पूरा असह्य मान लेते हैं, हम खुद को दयनीय अवस्था मान लेते हैं। तो हमें समझना है कि वास्तव में कैसे है कि जैसे गंगा होती है वो सागर की ओर जाती है हमेशा, उसी तरह से हमारी जो है चेतना वो गंगा के समान है और भगवान सागर के समान है। तो हमारी चेत अभी अभी कैसे होती है कि अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो गंगा एक नदी नहीं होती, गंगा के अनेक ट्रिब्यूटरीज होते हैं, गंगा के अनेक लहरें नहीं, क्या विभागें होती हैं, शाखाएँ होती हैं, जिससे इस शाखा से थोड़ा पानी जा रहा है, 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 और सब शाखाओं से जो है गंगा सागर की ओर जा रही होती है। तो उसी तरह से हमारे लिए क्या है, हमारी चेतना की बोल सकते हैं अनेक शाखाएं हैं, और हर एक शाखा से हमारी चेतना भगवान की ओर जा रही है। तो हमारे जप एक शाखा हो सकती है, हमारे भगवान के विग्रहों की पूजा ये एक शाखा हो सकती है, हमारे जो अगर हम बुक रिसीविंग कर रहे हैं वो एक सेवा हो सकती है, वो एक शाखा है, हम प्रचार करते हैं वो एक शाखा हो सकती है, हमारे कुछ भगवान भक्तों से संबंध है उससे हमको प्रेरणा मिलती है, उससे हमें भगवान की स्मृति बढ़ती है, वो एक शाखा हो सकती है। तो ऐसे हमारी चेतना के भगवान की ओर जाने के लिए अलग अलग शाखाएं हैं। हमारी जो सेवा है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे कोई पति है, पत्नी है, माता है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, अभी उन सब की सेवा भी क्या है, ये एक तरह से अगर हम सेवा भाव से करते हैं वो भी भगवान की सेवा है। तो उन सब में भी क्या है, उसके द्वारा हमारी चेतना भगवान की ओर जा रही है। ठीक है, मैं इस व्यक्ति की सेवा इसलिए कर रहा हूँ, न केवल इसलिए कि ये मेरे पति है, मेरे पत्नी है, पर यह भगवान का अंश है, मेरे रिश्ते में है भी, तो मैं इस तरह से करता हूँ। तो अगर इस ये भाव रखते हैं हम कि जो हमारे चेतना में अलग अलग विभाग है वो सब एक शाखाएँ हैं जिससे हमारी चेतना भगवान की ओर जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है, अगर किसी कारण एक शाखा बंद हो जाती है, एक शाखा अगर बंद हो जाती है तो अगर हमारी सारी चेतना की नदी उसी शाखा से जा रही है तो वो शाखा बंद हो गई तो हमारा जीवन ही बंद हो जाएगा। पर अगर हम समझते हैं कि यह केवल एक शाखा है, ये बंद हो गई तो ये शाखाएं चालू है, तो ये शाखाएं चालू है, इन शाखाओं से मैं आगे चलता रहूंगा, तो उससे क्या होगा, भले ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर भी हम हताश नहीं हो जाएंगे। हम हताश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी चेतना की सारा जल या बहुत जो हमारे चेतना का जो जल रूपी चेतना है उसका सारा या अधिकांश हम एक ही शाखा में डाल देते हैं, और वो शाखा अगर बंद हो गया वो लगता है मेरा जीवन ही खत्म हो गया। अभी अगर कोई सोचता है, मैं एक भक्त से मिला था अमेरिका में, बोले थे कि वो बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे और फिर बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और क्या होता है कि अगर आप थोड़ा संभाल के नहीं करते, बड़े वजन उठाते हैं बहुत समय तक, तो क्या पीठ में दर्द हो सकता है। तो अभी उनको कई सालों तक उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और बहुत अच्छे से करते थे,
टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में थे वो, पर उनको उससे पीठ का दर्द होने लगा और ऐसा दर्द हो गया कि डॉक्टर बोले कि अभी आप बैग उठा ही नहीं सकते। तो अभी वो बोले कि अभी मैं करूँगा क्या ज़िंदगी भर, यही तो मेरा सेवा था। और अच्छी तरह से करते थे और बहुत लोगों को वो वास्तव में प्रचार भी कर रहे थे उससे। तो फिर तो कुछ समय के लिए बड़े मायूस हो गए, पर फिर बाद में उनको पता, उनको किसी वक्त से बातचीत हुई, क्या कर सकते, बोले कि ठीक है आप अभी आजकल का जो दुनिया है सोशल मीडिया का दुनिया है, तो आप भले ही बाहर नहीं जा सकते हो, आप सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से आप लोगों से कॉन्टैक्ट करो। और फिर क्या हुआ कि जो इतने सालों से मुक्तिशोधन कर रहे थे, उन्होंने बहुत से लोगों के कार्ड लिए थे, बहुत से बात की थी, पर किसी को फॉलोअप करने का मौका ही नहीं था उनको, कि नए लोगों को मुक्तिशोधन करते जा रहे थे। तो फिर उन्होंने चालू कर दिया कि जो लोगों से वो मिले थे उनसे कॉन्टैक्ट करने लगे, और फिर वो दूसरे लोगों से मिलने लगे। और उससे क्या हो गया, वो बोले अभी भले ही मैं मेरे कमरे से भी ज़्यादा बाहर नहीं आता हूँ, पर उसे कमरे से मैं इतने सारे लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को भक्ति में ला रहा हूँ। तभी क्या हो गया, फिजिकली जाना और मुक्तिशोधन करना ये एक उनके शाखा थी उनकी, अभी वो परिस्थिति बंद हो गई, पर इसका मतलब नहीं कि उनकी भक्ति बंद हो जानी चाहिए, क्या उन्होंने दूसरी शाखा ढूंढी था, ठीक है इस शाखा से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसीलिए इसका इस पॉइंट का, इंटेलिजेंस मीन्स टू बी मोर अटैच टू सर्विस एटीट्यूड देन टू सर्विस। बुद्धि का मतलब है कि हमारी सेवा से आसक्ति जरूर हो सकती है, पर सेवा से आसक्ति ज़्यादा सेवा भाव से आसक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई सेवा हम परिस्थिति से न कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे तभी, अगर हम उसी सेवा से ही आसक्ति है और वो शाखा बंद हो गई तो हमारा जीवन बंद हो जाएगा। पर सेवा भाव से आसक्ति होगी, ठीक है अभी ये सेवा नहीं हो रही है तो मैं ये सेवा कर सकता हूँ, इस तरह से भाव रखते हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो हम हमेशा ढूंढ लेंगे और हम कर पाएंगे। और उससे हम देखें कि भगवान भले ही एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोल देते हैं। पर क्या होता है, हम जो दरवाज़ा बंद होता है उसकी ओर देखते रहते हैं और गुस्से से उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे गुस्से से ये दरवाज़ा जल के राख क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। पर वो राख नहीं होने वाला है, या कभी कभी हम जो वो दरवाजे की ओर देखते रहते हैं और रोने लग जाते हैं और हमारे आंसुओं से वो दरवाज़ा पिघलने वाला नहीं है। वो दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो बंद हो गया, तो हमें क्या करना है, अभी जब एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो कौन सा दरवाज़ा खुला है, अगर हम थोड़ा कन्वेंशन करेंगे, थोड़ा खोज करेंगे तो ज़रूर हमको पता चलेगा, अच्छा ठीक है दरवाज़ा खुल गया है, और उस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर हम सेवा भाव रखते हैं तो अभी क्या, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं से हमको भगवान मार्ग दे देंगे, ठीक है ये नहीं हो सकता आप ये करो और आगे बढ़ो आपकी भक्ति में। और ऐसे करेंगे तो कभी हम हताश नहीं हो जाएंगे, उत्साही बने रहेंगे, कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, ठीक है ये दरवाज़ा बंद हो गया, ये दरवाज़ा बंद हो गया, ये दरवाज़ा बंद हो गया, पर ये तो खुला है, ये शाखा बंद हो गई, पर ये तो चल रही है अभी तक। उस तरह से जब हम भक्ति करेंगे, मैं एक भक्त से मिला, वो बहुत अच्छे संकीर्तन करते थे और कुछ हो गया और उनकी वाणी चली गई, वाणी चली तो कीर्तन भी नहीं कर पाए थे, जब भी नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े हताश हो गए। तो फिर वो बोले कि मैं कई सालों से जप कर रहा था पर अभी मुझे मैंने वरिष्ठ भक्तों से बात की, बोले कि अब आप जीवा से जप नहीं कर सकते तो आप मन में जप करो। तो फिर अभी बोले कि जब मैं मन में जप करने लग गया अभी, तो अभी साधारण तो मन में जप करते तो क्या है, हम मन में जप करते करते मन में ही गुप हो जाते हैं, वी गेट लॉस्ट इन द माइंड, ये बोलता है वो बोलता है बोलता है, पर क्या है अगर पर्याय ही नहीं है तो बोले अभी मैं मन में जप करने लग गया हूँ और वास्तव में मैं पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कोई पर्याय ही नहीं कुछ और। तो क्या है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो हमारे भक्ति को पूरा बंद कर दे, पर कभी अगर हम उस सेवा से आसक्त हो जाते हैं तो वो सेवा नहीं हो पाएगी तो हमको लगा ये खत्म हो गया हमारा जीवन। पर अगर हम सेवा से आसक्त नहीं होते, हमारे संबंध में भी ऐसे हो सकता है कि शायद हमारे परिसंबंध में ये समस्या आ जाती है, वो समस्या आ जाती है, पर ठीक है हम सब भक्त चाहते हैं कि अगर हमें बच्चे जो हो गए बच्चे हो गए तो बच्चे भी भक्त बने, अच्छी बात है। पर अगर बच्चे भक्त नहीं बन रहे तो वो ऐसे नहीं है कि हमारा फेलियर है, हर एक आत्मा जो है वो स्वतंत्र आत्मा है और शायद वो भविष्य में फैसला कर लेगा, हम उससे बहुत फास हो जाएंगे तो हम कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कि हम उनको प्रेरणा देंगे, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, सुविधा देंगे, पर आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे
हम तो भक्ति में भगत हो जाएंगे और भगवान उनके हृदय में भी है, भगवान साहब उनको भी भगवान अपनी योजना के अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार सही मार्ग पर लेके आ जाएंगे। तो किसी हमारी चेतना को केवल एक शाखा पे कभी मर्यादित नहीं होने देना है। ठीक है, ये समस्या आ गई, इसका हल नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मैं दूसरी शाखा में मेरी चेतना को आगे बढ़ के भगवान की ओर लेके जाऊँगा। जब ये भाव रखते हैं तो हमेशा हम उत्साही रहेंगे, कभी हताश भी हो जाएगा, थोड़ी देर हताश हो जाएगा, पर दूसरी धारा मिल जाएगी हमको, दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। और प्रभुपाद जी का यही भाव था, कितने सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो गए पर प्रभुपाद जी भक्ति करने की, जो भक्ति का प्रचार करने की इच्छा बंद नहीं हुई उनकी। यहाँ पे भारत में कुछ नहीं हो पाया, अमेरिका में गए, पर अमेरिका में भी आसान नहीं था। अमेरिका में जहाँ पे रह रहे थे वो पहले तो बटलर में थे, वहाँ पे उनको प्रचारक के रूप में देख रहे थे लोग, क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे थे लोग। आ रहे थे, मुझे आपके साथ फोटो लेना है, हमको फोटो आपको छापना है, पर प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन नहीं, हमको सुनना नहीं है कुछ। फिर बाद में वो योगा स्टूडियो, वो दरवाज़ा बंद हो गया, प्रभुपाद जी हम न्यूयॉर्क में गए, योगा स्टूडियो में गए, बोले आप कीर्तन कर सकते हो पर आप प्रचार मत करो, क्योंकि वहाँ पे जो आदमी था वो जो वहाँ पे जो गुरु थे वो मायावादी थे। फिर प्रभुपाद जी अपनी खुद की जगह में रहने लग गए और वहाँ पे जो जनरेटर था, जो वहाँ पे गार्ड था, उसने ही प्रभुपाद जी का टाइपराइटर और डिक्टाफोन चोरी कर लिया। तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ से निकले, लोअर ईस्ट साइड में चले गए और वहाँ पे जब जाके रह रहे थे तो जो उनके साथ व्यक्ति रहा था डेविड एलन, लग रहा था कि वो शायद उनका पहला शिष्य बनेगा, और वही नशे के प्रभाव में इतना पागल हो गया कि प्रभुपाद जी पे आक्रमण करने आ गए। तो जो एक जगह प्रभुपाद जी की थी वहाँ पे प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी, यहाँ पे लोग आके कार्यक्रम सुन रहे थे, और जी वो छोड़ जाना पड़ा। तो कितने दरवाजे बंद होते गए पर प्रभुपाद जी देखा कौन सा दरवाज़ा खुला है और आगे बढ़ते गए। और फिर बाद में भगवान ने तो ऐसा दिखा दिया कि ये केवल एक धारा ही नहीं है, एक सागर बन गया प्रभुपाद ने, एक बड़ी विशाल नदी बन गई जो सागर में पहुँच गई। और हम सब जो है अभी उसी विशाल नदी की धारा जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उसमें है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भगवान की ओर प्रगति कर रहे हैं। तो सारांश में आज मैंने चर्चा की इस विषय की, कैसे बुद्धि का मतलब, बुद्धि क्या है समझे। तो यहाँ पे जब पृथ्वी देवी को समस्या आ गई है आतंक की असुर के द्वारा, तो भगवान के पास ब्रह्मा जी उसे लेके जा रहे हैं सारे देवताओं के साथ, तो समस्या को सबसे सर्वोच्च स्तर पर इसको हल करने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। तो बुद्धि के मतलब क्या है कि जो समस्या है उसको सबसे सकारात्मक संदर्भ में उसका हम हल ढूंढने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति एक बार ग्लास गिर जाता है तो मैं निकम्मा हूँ ऐसे भाव कर लेते हैं, तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन क्यों होता है, छोटी सी समस्या को हम बहुत बड़ा अर्थ दे देते हैं। तो यह हम व्यवहारिक स्तर पर बुद्धि के द्वारा और अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं कि किस समस्या का हल किस स्तर पर करना है। इसमें सही गलत इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो सबसे प्रभावशाली क्या है, सबसे सकारात्मक क्या है, रचनात्मक क्या है, वह देखना। और ऐसे जब हम करते हैं तो हम छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे और बड़ी समस्याओं को छोटा भी नहीं बनाएंगे, हर समस्या को उचित स्तर पे हम उस पर कार्य कर सकते हैं। और फिर हमने देखा इसके ही दो एक्सट्रीम जो हो सकते हैं कि बुद्धि का मतलब है कि किस समस्या को सिर्फ भगवान पे, अभी कुछ नहीं कर सकता, भगवान पे निर्भर हो जाओ, या मुझे सब कुछ मेरे हाथ में लेकर करना है। तो ये कैसे है समझने के लिए, सर्विस एटीट्यूड इज द सीड ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो बुद्धि है यह सेवा भाव के बीच से आती है। तो जब हम सेवा भाव रखते हैं तो ठीक है, ये परिवर्तन नहीं कर सकता, ये परिवर्तन मैं कर सकता हूँ। तो ये समझने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको तत्वज्ञान के स्तर पर हमें समझना है कि हाँ, ये समस्याओं में थोड़ी रिश्तों में समस्याएँ आती हैं, उसको सहन कर लो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बड़ी अग्नि लग गई है तो तभी उसको सहन नहीं करना है, उसको हमें बुझाना है। तो कभी कभी हमें फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान के स्तर पर हल होता है, कभी कभी व्यावहारिक स्तर पर हल होता है। अगर खास करके अगर हमने कोई जिम्मेदारी स्वीकार की है तो उसमें व्यावहारिक स्तर पर अगर हम कुछ आदर सम्मान ले रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी का भी जो हमें निभानी चाहिए। और आखिरी हमने पढ़ लिखा कि बुद्धि का मतलब ये है कि हमें सेवा से ज़्यादा सेवा भाव से आसक्त होना है। हमारी सारी सेवाएँ जो हैं वो ऐसे नदी की शाखाओं के समान जो भगवान रूपी साकर की ओर जा रही है, और परिस्थिति के कारण अगर एक शाखा बंद हो जाएगी तो फिर अगर उसकी ओर ही घूरते रहने से जगह पे हम दुखेंगे, कौन सी शाखा, कौन सा दरवाज़ा अभी खुला है, कौन सी शाखा अभी चालू है, और उसके द्वारा हम आगे बढ़ते रहेंगे तो कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, हम हताश नहीं होंगे, हम अग्रशील रहेंगे भगवान की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
माता जी आपका सवाल था पीछे अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो पहले इरादा होता है फिर बुद्धि होती है, तो हम हमारी बुद्धि से कार्य कर सकते हैं पर किसी और को भी साथ में कार्य कराना है तो उनमें हम वो इरादा कैसे निर्माण कर सकते हैं जिससे वो कार्य कर सके। हाँ, ये कैसे है कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं इसमें कई पर्याय होता है, समटाइम्स वी सर्व विथ समवन, समटाइम्स वी सर्व सर्व थ्रू दैट पर्सन, समटाइम्स वी सर्व दैट पर्सन एंड समटाइम्स वी सर्व इन स्पाइट ऑफ दैट पर्सन। मतलब क्या, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ सेवा करते हैं, कभी कभी हम किस व्यक्ति की सेवा करते हैं, हम किसी व्यक्ति के द्वारा सेवा करते हैं और कभी कभी हम किस व्यक्ति के बावजूद सेवा करते हैं। तो क्या है, ये अलग अलग पर्याय हैं। हम कभी भी हर एक आत्मा की स्वेच्छा है और हम कैसे उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर क्या है कि हमें देखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, अभी इस संबंध में क्या करना है मुझे। तो साधारणतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए तीन ही चीज़ें कर सकता है, इसको मैं इसमें कहता हूँ एंगेजमेंट, एनकरेजमेंट, एनलाइटनमेंट। जैसे अगर हम माता पिता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्ति में लग जाए या कोई सत्कार्य करें, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो तीन चीज़ें, एनलाइटनमेंट मतलब कि हम ज्ञान देते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो मतलब किसी को हम नकाशा दे रहे हैं, ठीक है ये रास्ते पे जाओगे तो ये आगे आने वाला है, आगे आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ उनको बोलते हैं तुम ये करो ये मत करो, पर क्यों ये करो क्यों ये मत करो नहीं बताएंगे, तो फिर क्या उनको लगता है यार आप मुझे बहुत बंधन डाल रहे हो मुझ पर। तो इसीलिए कई बार हमको तो स्पष्ट होता है ये क्यों करना चाहिए और ये क्यों नहीं करना चाहिए, पर वो शायद उनको स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए वो समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं अमेरिका में एक वरिष्ठ हमारे सन्यासी गुरु है उनसे बात कर रहा था, वो प्रभुपाद जी ने अमेरिका के कॉलेजेस में प्रचार करने को बताया था, तो बताया थे प्रभुपाद जी ने मुझे बताया कि द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू व्हेन प्रीचिंग इन कॉलेजेस इज टू प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस एज अ सेट ऑफ रूल्स। कि अगर कृष्ण भावनाओं को आप नियम की श्रृंखला बताओगे ये करो ये मत करो, तो ये आप सबसे बुरी चीज़ कर रहे हो। बोले कि कृष्ण कॉन्शियस में आप कृष्ण भावना में तत्वज्ञान क्या है लोगों समझाओ, वो समझ जाएंगे तो फिर वो नियम क्यों है वो समझ जाएंगे, नहीं तो फिर नियम ही बताएंगे तो बोलेंगे ये कितना बंधनकारक है ये जो नहीं करना है। मैं एक इंटरफेथ प्रोग्राम में था, वहाँ पे क्रिश्चियन हिंदू वैष्णव डायलॉग चल रहा था, तो वहाँ पे हम सब बात कर रहे थे कि युवकों को आध्यात्म के लाना कितना मुश्किल है, तो वो एक प्रीस्ट बता रहा था वहाँ पे कि यो उन्होंने कुछ युवकों का पोल किया कि जो अमेरिका में युवक है वो धर्म के बारे में सोचते क्या सोचते, तो एक युवक ने लिखा था कि उनकी संकल्पना के अ प्रीस्ट, ये प्रीस्ट कौन है, अ प्रीस्ट इज समवन हु इज ऑलवेज वरीड दैट समवन समवेयर इज हैविंग सम फन। तो मतलब क्या, प्रीस्ट कौन है कि जो पंडित है साधु है क्या है उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तरह से मजा कर रहा है। मतलब उनका भाव था कि जो भी हमारे मजा करने की चीज़ें हैं, जो आनंद करने की चीज़ें हैं, वो उस पर पाबंदी लगा दो। तो ऐसे लग सकता है पर सत्य में वो बिल्कुल नहीं है, भक्ति में भी बड़े आनंद की चीज़ें हैं। तो क्या है, कई बार हम ऐसे जब किसी को बताना चाहते हैं तो सिर्फ उनको हमको ये करो मत करो बता देते हैं, पर वो क्यों करो और क्यों मत करो नहीं बताते। एनलाइटनमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, दूसरा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब व्यवहारिक रूप से कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए छोटे अगर बच्चे हैं तो बच्चे जो बड़ों का प्रवचन है उसमें आके शायद बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ चिल्ड्रन स्कूल होना चाहिए, उनके लिए कुछ उनके स्तर पे कार्य होने चाहिए जो कर सके।
मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं ठीक है ये रास्ता अच्छा है ये रास्ता बुरा है, पर ये रास्ते पे जाए कैसे, कोई गाड़ी दो उनको, कोई बस में बैठाओ, कुछ सुविधा दो जिससे कि वो कार्य कर सकें। तो क्या है, जो सुविधा हमारे लिए है शायद वो उनके लिए उचित हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें देखना है उनके लिए क्या उचित सुविधा है। और तीसरा है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन देना। कई बार क्या होता है कि मैं दुबई में था और एक परिवार से बात करता, उनके उनके बच्चे थे और माता पिता बहुत अच्छे भक्त है, तो जो बच्चे हैं वह इतने अच्छे, वो भी भक्ति कर रहे हैं पर माता पिता उनसे बहुत असंतुष्ट थे। उनसे बात कर रहा था तो वो क्या बता रहे थे कि वो उनकी एक बेटी थी एक बेटा था, बेटी बता दी कि मैं कुछ भी करूँ मैं पेरेंट्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद मी। तो बोले ऐसे क्यों, तो माता पिता से बात बोले नहीं आपने ये किया हम उससे बहुत संतुष्ट हुए थे। तो फिर उन्हें मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बताया उनको कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि लोग 10 चीज़ करें और वो एक चीज़ भी करते हैं तो उनके लिए प्रगति है, पर क्या है वो एक चीज़ की है उसकी सराहना करने के लिए हाँ आपने एक चीज़ कर ली अब ये आगे 9 चीज़ें भी कर लो आप। तो उससे क्या होता है उनको लगता है कि तुम्हारे अपेक्षाओं के बोझों के नीचे मैं दबी जाऊँगा, मेरे को ज़िंदगी रहेगी नहीं। तो ज़रूर हम चाहते हैं कि लोग और चीज़ें करें, पर जो वो कर रहे हैं उसको हमें सराहना करनी चाहिए। तो छोटी भी चीज़ क्यों ना हो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो क्या होता है उनको प्रोत्साहन मिलता है, नहीं तो फिर क्या है हमारी अपेक्षाएं अच्छा कार्य कर भी लेते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ गिविंग एनकरेजमेंट वी गिव फर्दर एक्सपेक्टेशंस। अभी तुमने एक माला कर लिया, अभी 16 माला कब से करने वाले हो, एक माला कर लिया है तो उसकी थोड़ी सराहना करो ना। तो क्या होता है अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं एनलाइटनमेंट एंगेजमेंट और एनकरेजमेंट, तो फिर क्या होगा उनको भी सही मार्ग में चलने का जो 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 पुश है वो मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं जाते हैं वो भी उस कार्य नहीं करते हैं तो हमें फिर एक व्यवहारिक रूप पे फैसला करना है कि ठीक है अगर आप ये नहीं करना चाहते मैं ये करना चाहता हूँ। तो कभी कभी हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ करना चाहते हैं पर कुछ कुछ हो सकता है लिव एंड लेट लिव, तुम ये करो पर मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये व्यवहारिक रूप पर हम फैसला कर सकते हैं। Yes, ma'am. तो 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद्गीता में कि कभी कभी अगर कोई भक्तों के संग में सेवा भी कर रहा है तो अभी अगर उसको अगर वो प्रगति नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब है बुद्धिमान नहीं है, पर भगवान इतने कृपालु है कि उनको बुद्धि दे देंगे और प्रगति कर पाएंगे। यहाँ पर जो बुद्धिमान है वह बुद्धि एक अलग प्रकार की बुद्धि का बताया गया है। वहाँ पर क्या है अगर आप उस पर शंकराचार्य का तात्पर्य पढ़ते हैं वहाँ पर खास करके जो मायावादी का तात्पर्य पढ़ते हैं उनका कई लोग क्या कहते हैं कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति करो और भक्ति के बाद में आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सही मार्ग क्या है ज्ञान योग का मार्ग है और ज्ञान से आपको लीन होना है। और ऐसे अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप भक्ति करो। बुद्धिमान लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है, जो भावुक लोग हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। ऐसा सत्य नहीं है क्योंकि क्या है बहुत से भक्ति के आचार्य भी हम देखते हैं बहुत बुद्धिमान थे। हमारे संप्रदाय में जीव गोस्वामी देख सकते हैं, माधव संप्रदाय व्यास तीर्थ है, वेदांत देशिका है, श्री संप्रदाय में बहुत बहुत बुद्धिमान थे वो। कि ग्रंथ अगर भौतिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो उनका तर्क जो है शास्त्रों को जो कोट करें बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसे नहीं है, पर यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है
कि भले ही ऐसे कोई हो कि जिनमें भौतिक दृष्टि से बहुत कुछ याद करना है, विश्लेषण करना है, वह बुद्धि ना हो। तो अगर कोई ऐसे भक्ति के भक्ति में प्रगति की परिभाषा रखता है कि तुमने कितने श्लोक याद किए हैं, तुम कितना अच्छा प्रवचन देते हो, तुम कितना दूसरों के गलत तर्कों का खंडन कर सकते हो, तो शायद वह सब भक्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो ऐसे वो जातियाँ नहीं हैं, पर वो चार विचारधारा, विचार करने की पद्धतियाँ, चार क्षमताओं की श्रेणी है। तो जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते हैं वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, जो याद कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, बाकी सब उतना नहीं होता है। तो फिर भी अगर कोई वैश्य, शूद्र या उससे भी नीचे कोई, उनकी बुद्धि ऐसी है, अभी शूद्र भी बुद्धिमान होता है, उनकी बुद्धि कैसे होती है, चीज़ों में होती है, इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, उसके लिए भी बुद्धि लगती है। पर शास्त्र के ज्ञान का विश्लेषण करके उसको याद करके समझना, शायद उसको बुद्धि में नहीं होगी इतनी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसी बुद्धि नहीं भी होगी और उस दृष्टि से कोई प्रगति नहीं भी कर रहा है, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए जो भी बुद्धि जरूरी है वो मिल जाएगी। तो इसमें आप थोड़ा सा एक अगर भेद करना है तो कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी, ये याद करो, ये एनालाइज करो, ये बोलो आप। इंटेलिजेंस इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि ठीक है ये अभी ये प्रलोभन मिल रहा है, ये प्रलोभन के पीछे जाना है नहीं जाना है। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी जो है, वो जानकारी को याद करके बोलना, वो क्षमता शायद सब लोगों में नहीं होगी उतनी, कुछ लोगों में ज़्यादा होगी, कुछ लोगों में कम होगी, जो ब्राह्मण में ज़्यादा होगी। पर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ठीक है ऐसे परिस्थिति में ये करना है ये नहीं करना है, वो प्रकार की जो बुद्धि है वो सबको हो सकती है। और वो बुद्धि ऐसे नहीं है कि अगर कोई वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो भक्ति करेगा तो वो उसकी ब्राह्मण जैसी बुद्धि बन जाएगी, मतलब उस तरह से श्लोक याद हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, नहीं हो सकता है। पर क्या है, वो जो ब्रह्म की ओर प्रगति करने के लिए जो बुद्धि जरूरी है, आध्यात्म की ओर प्रगति करेगी वो बुद्धि जरूर विकसित हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो बुद्धि है, दूसरी बुद्धि, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वह सबको मिल जाएगी, भले ही वो बुद्धिजीवी व्यक्ति इंटेलेक्चुअल हो या ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे।